कामना जो है ना, यही है सबसे भयंकर बीमारी। आपने किसी वस्तु की कामना बनाई और वो वस्तु आपको मिल गई या व्यक्ति आपको मिल गया, तो क्या होगा? लोभ उत्पन्न होगा, कामना की अपूर्ति से क्रोध। और ये दोनों ही बड़े भयंकर हैं। क्रोध ये तो विष से भी भयंकर है, क्योंकि जब क्रोध आता है तो हृदय को नष्ट करता है, हृदय जलता है, बुद्धि नष्ट होती है, वाणी भी नष्ट होती है, अशुद्ध होती है ना वाणी। ये क्रोध ऐसा है, विष से भी भयंकर। हमारी किसी भी वस्तु की कामना तब होती है जब हमारी किसी वस्तु में आसक्ति होती है। आसक्ति होने से कामना होती है। तो ये हमारी किसी वस्तु में आसक्ति क्यों होती है, कैसे होती है? उसका रीजन ये है, जब हम किसी भी वस्तु में हमारे बार बार सुख मानने से हमारी उस वस्तु में अथवा व्यक्ति में आसक्ति हो जाती है। अच्छा जी, हम बार बार किसी वस्तु में सुख क्यों मानते हैं? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है, हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है, हम आत्मा है ना, और ये आत्मा भगवान का अंश है। और भगवान क्या है? आनंद, सुख। तो उनके अंश होने के कारण स्वाभाविक हम सुख चाहते हैं। लेकिन इस जगत में यदि हमने बार बार सुख माना, वो तो हमारा नेचर है, तो जो मिलेगा हम वहां सुख मानेंगे। जब हम सुख मानेंगे तो क्या होगा? वो वास्तविक सुख मिलेगा नहीं संसार से, लेकिन मानने के कारण आसक्ति हो जाएगी, संसारी विषयों की आसक्ति। अब जब संसारी विषयों की आसक्ति होगी तो कामना होगी उसी की, कामना हो जाएगी तो क्रोध भी उत्पन्न होगा, लोभ भी उत्पन्न होगा। यानी यहां वास्तविक सुख तो मिला नहीं, अपितु हम बंधते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। तो ऐसे तो फिर हमारा कभी कल्याण ही नहीं होगा। तो हमारा कल्याण कैसे हो? क्योंकि सुख मानना हमारा नेचर है, और यदि इस जगत में सुख मानेंगे तो बंध जाएंगे। तो इसलिए क्या करें? करना ये है कि आपको भीतर से पहले ये पक्का करना है कि जो वास्तविक सुख मेरा लक्ष्य है, वो वास्तविक सुख इस संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं है। तो जब आप ये मान लेंगे तो क्या होगा? आप संसारी विषयों में आसक्त नहीं होंगे, ड्यूटी करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन अनासक्त भाव से, आसक्त नहीं होंगे। आसक्त नहीं होंगे तो कामना भी नहीं होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिले हमारे अपडेट्स सबसे पहले।